हाय फ्रेंड, आ गए हमारे पास ऑर्डर किया 2018 में। कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी टायर खत्म कर रही है पीछे की साइड में, अभी हम दिखाएंगे आपको। अभी आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक साइड इसने पूरा टायर खाया है, ये पूरा खत्म कर रही है। दूसरा टायर इसमें लगा था जो, उसको भी दिखाएंगे आपको क्या प्रॉब्लम हो चुकी है उस टायर के साथ। अभी दिखाएंगे लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला है। इस साइड देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी कंडीशन ठीक है, मगर हर ये गाड़ी राइट साइड वाला टायर खड़े राइट साइड वाला, ये वाला अभी ओके है। आपको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, आज चेक करके दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हो फ्रेंड इसमें क्या हो चुका है, ये राइट साइड, इस साइड राइट साइड वाला ये टायर था, इसमें देखो क्या प्रॉब्लम आ चुकी है, पूरा टायर खत्म कर दिया। आप दिखाएंगे आप देख सकते हैं इसमें कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी दिखाएंगे आपको एक्चुअली गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ चुकी है। अभी हम दोनों साइड आपको खोल के दिखाएंगे फ्रेंड, फिर बाद में आपको दिखाएंगे किस में प्रॉब्लम है, किस में कैसे प्रॉब्लम आती है हमारे गाड़ियों में। दिखाएंगे आपको पूरा कैसे टायर खाती है पीछे की साइड। अभी हमारा टायर खुल चुका है, खोल के बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है अंदर, किससे प्रॉब्लम हो जाती है। टायर हमने खोल दिया, एक्चुअली कभी कभी ये शॉकर ख़राब होने की वजह से भी, टायर उल्टा होने की वजह से भी इसमें टायर खा जाती है गाड़ी, और इसमें जो ऊपर माउंट लगा होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, माउंट में, शॉकर माउंट में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, या शॉकर ख़राब होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी गाड़ी में, पीछे टायर खाना शुरू हो जाता है। अभी हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, शॉकर हमने अभी चेक करेंगे हम, शॉकर चेक, अभी हमने ये शॉकर चेक किया, शॉकर अभी प्रॉपरली है, अभी हम करेंगे चेक इसकी व्हील बेयरिंग ओके है। हैंड ब्रेक को छोड़ो, हैंड ब्रेक को रिलीज़ करने के बाद बेयरिंग इसमें ओके है, बेयरिंग में कोई प्ले नहीं है इसमें, बेयरिंग में अगर प्ले रहेगी उसकी वजह से भी टायर खा जाती है गाड़ी, मगर बेयरिंग हमारी ओके है, शॉकर भी हमारा ओके है। अभी हम चेक करेंगे नीचे वाले ट्यूब को, इसको पूरा देखेंगे, हमारा बूश तो नहीं कटा है, बूश इसमें अभी प्रॉपरली है ओके, और शॉकर का बूश भी बिल्कुल ओके है इसमें। अगर ये चीज़ इसमें ख़त्म रहेंगे या बूश कटा रहेगा उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, टायर खा जाती है गाड़ी, या हमारी बेयरिंग ख़राब रहेगी उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी देखेंगे हम नीचे चल के इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी हम आ गए गाड़ी के नीचे, गाड़ी में दोनों तरफ ठीक है, और बूश भी इस साइड बिल्कुल ओके है शॉकर का, और आगे वाला बूश भी इसमें बिल्कुल प्रॉपरली है, बूश में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम चेक करेंगे इसका ट्यूब, अभी हमने जब ट्यूब चेक किया इसमें ट्यूब में ये प्रॉब्लम निकली फ्रेंड, देखो ये पूरा ख़त्म हो चुका है नीचे से ट्यूब, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई हमारी गाड़ी में, इसलिए इसने टायर खाया, ये एक्चुअली कट ख़राब होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई, ये एक्चुअली इसमें पूरा ख़त्म हो चुका है नीचे से ट्यूब, जो असेंबली लगी होती है दोनों टायरों के बीच में, ये ट्यूब एक्सल पीछे का, ये पूरा हम ट्यूब खोल के दिखाएंगे आपको, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, ये काट होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको पूरा खोल के दिखाएंगे आपको फ्रेंड, बाहर जब निकालेंगे फिर दिखाएंगे। इसमें ये बोल्ट लगे थे, ये बोल्ट निकाल के और इसकी ब्रेक पाइप और हैंड ब्रेक इसकी खोलनी पड़ेगी, हैंड ब्रेक को रिलीज़ करने के बाद इसकी पूरा ट्यूब बाहर निकल जाता है, और दोनों तरफ शॉकर खोलना पड़ेगा, इसको खोल के दिखाएंगे आपको, ये पूरा इसको रिलीज़ करेंगे, ड्रम को बाहर निकलेंगे, हैंड ब्रेक को रिलीज़ करेंगे, और ब्रेक पाइप हमारी है ये ब्रेक पाइप, इसको भी खोल के ले लेंगे, और हमारा ये शॉकर ये भी खोल के ले लेंगे, और एक रहता है आगे वाला बोल्ट, दोनों तरफ खोल के ले लेंगे, फिर दिखाएंगे आपको फ्रेंड खोल के बाहर इसमें क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी हमने इसको खोल किया, 30 नंबर बोल्ट लगा होता है आगे नट, इसको खोल के रिलीज़ करना पड़ता है। अभी हम हैंड ब्रेक खोल के दिखाएंगे आपको, अभी हमने यहाँ से 2 लॉक निकाल के इसको करेंगे बाहर, और हैंड ब्रेक को रिलीज़ करेंगे यहाँ से, ये वायर इसको निकाल के दोनों तरफ, एक तरफ हमने दिखाया, ये प्रोसेस रहता है सेम दोनों तरफ, एक ही साइड इसको खोल के और ब्रेक पाइप को रिलीज़ करके इसको नीचे उतारेंगे, और शॉकर को खोल के फिर दिखाएंगे आपको बाहर निकाल के आप फ्रेंड। अभी हमने निकाला पूरा ट्यूब बाहर, अभी हम दिखाएंगे इसमें क्या थी एक्चुअली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये थी, ये जगह एक्चुअली प्रॉब्लम थी इसमें, इसको कट होने की वजह से टायर खा रही थी गाड़ी, एक्चुअली इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है टाटा टियागो में, हमें लगभग 20-30 में देखा ये प्रॉब्लम। अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद हमको आप दिखाएंगे। रेडी, अभी हमारा आ चुका है पूरा रेडी करके, हमने इसको रिपेयर किया, अभी हमारा ये नया नहीं मिला, हमने रिपेयर ही कर दिया इसमें, अभी देखेंगे इसमें कितना टाइम निकलेगा, नीचे से भी दिखाएंगे इसमें क्या हो, कैसे हमने वेल्ड किया इसमें, नीचे से भी हमने खराब आदि से इसको पूरा पहले अलाइनमेंट करके लिया, अलाइनमेंट करने के बाद फिर हमने वेल्ड किया, वेल्ड करने के बाद इसमें पीस भी डाला ऊपर की साइड नीचे साइड में, ये हमारा हो गया ओके। अभी हम लगा के दिखाएंगे आपको इसमें कैसे लगाना है इसको, रेडी। अभी लगाएंगे 2 बोल्ट, ये आगे वाले बूश के मेन बोल्ट 2 लगते हैं, उस साइड एक, इस साइड एक, और ये ब्रेक पर लग जाएगी हैंड ब्रेक केबल, इसको लगा के दिखाएंगे आपको। अभी हमारा पूरा काम हो चुका है, अभी हमने शॉकर भी टाइट किया इसमें, और आगे वाला मेन बोल्ट भी इसमें टाइट किया,
ये भी टाइट किया हमने, और इसकी ब्रेक पाइप भी लग गई, हैंड ब्रेक भी लग गई, और ये ड्रम लगे, शूज़ भी लगा हुआ है हमने, दोनों तरफ सेम प्रोसेस ऐसे ही है। अभी हम टायर लगा के दिखाएंगे आपको। फाइनल हमारा काम हो चुका है, अभी टायर बिल्कुल ओके है, ऊपर से दिखाएंगे आपको, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, दोनों तरफ बिल्कुल ओके है। अभी हमारा काम हो चुका है ओके, आप इसको रोड ट्रैक देखे पता चलेगा, आप बिल्कुल ओके गाड़ी हो चुकी है।